नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रदेश सरकार द्वारा 2025 तक प्रदेश को जीरो पॉवर्टी राज्य बनाने के लक्ष्य पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आसिम अरुण ने कहा, हमने चिन्हित किया है कि हर गांव में सर्वाधिक गरीब परिवार कौन से है, उसके बाद हम उन परिवारों को वो सभी योजनाओं का लाभ देंगे जिसमें उनका अधिकार है, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़े, अधिकार से आगे बढ़कर उनके स्वावलंबन के लिए काम कर सकते हैं। उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रयास हमारा यह होगा कि जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं, उन्हें सबसे पहले लाभ मिल सके। पेश है एक रिपोर्ट। इसको इस तरह से हम लोग करेंगे, हमने चिन्हित किया कि हर गांव में सबसे ज्यादा गरीब परिवार अल्ट्रा और उनके चिन्हीकरण के बाद में इन परिवारों को हम पूरी तरीके से संतृप्त करेंगे, सैचुरेट करेंगे। योजनाओं में उनका अधिकार बनेगा, पहले तो वो हम जिससे कि वो उनका स्तर बढ़ाए, उसके अलावा अधिकार से आगे बढ़ते उनके स्वावलंबन के लिए क्या काम कर सकते हैं, उनको कोई बिजनेस बना सकते हैं, कोई ऋण दिला सकते हैं, उसके लिए काम करेंगे। इसको तकनीकी भाषा में स्कीम टारगेट करेंगे और सही परिवारों को चिन्हित किया गया है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये एक पहला कदम है, इसकी सफलता पे अगला कदम लेंगे, अगले समूह को चिन्हित करेंगे और प्रयास ये होगा कि जो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति सहायता देंगे।